हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट एक्सरसाइज 2.2 मैथ का तीसरा सवाल पढ़ेंगे कक्षा आठ के। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। माना समद्विभाव त्रिभुज की समान भुजाएं x हैं, तो देखिए समान भुजाएं इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो ये दोनों बराबर हैं, ये भी x है ये भी x है, 4/3 सेंटीमीटर। त्रिभुज के आधार की माप बराबर 4/3। अब त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, तो इसमें दिया है त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, परिमाप है इसका, त्रिभुज का परिमाप है 4 सही 2/15, और तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, एक ही है और एक ही है, यानी x प्लस 4/3। अब ये 4/3 इधर ले लेंगे, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, 15 15 45, 15 चौको 60, 60 और 2 62, 62/15 बराबर एक्स एक्स 2x, और ये प्लस का 4/3। अब ये 4/3 इधर ले लेते हैं, 2x+4/3 बराबर 62/15। अब ये 4/3 उधर चला जाएगा, 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3, जो इधर प्लस का होता है पक्षांतर होता है तो माइनस का हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये जब पक्षांतर हुआ, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, तो चिन्ह क्यों नहीं बदले। जब पूरी चीज ये पूरी चीज उठकर लेफ्ट में या राइट में चले जाए, और लेफ्ट वाला या राइट वाला उठकर दूसरी तरफ चले, लेफ्ट वाला या राइट वाला कोई सा भी, अदला अदला बदली हो जाए पूरी संख्याओं की, तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, 2x बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15, 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 15 आ जाए एक बार, तो एक का पहाड़ा 62 में पढ़ेंगे तो 62 का 62 ही रहेगा, यानी 62 बन जा 62, यानी 62 एकम 62, माइनस ये 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 15 आ जाए, 3 5 15, तो 5 चौको 20। अब यहां से इसे घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x ऐसी रहेगा, 2 का 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा बट्टे, नीचे है 15। अब यहां हो जाएगा x बराबर 42/15, चूंकि ये गुणा में था तो ये भाग में चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 21। अब आप 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 और 3 5 15, x बराबर 7/5, यानी समबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाओं की माप 7/5 सेंटीमीटर वीडियो पसंद आती है होगी। यह पढ़ाई अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।